गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम। तो तीसरे दिन में आपका फिर से स्वागत है, थर्ड डे। अभी हमें करों में हमने स्टे किया था। देखिए अभी बैग किस तरह से बिखरे हुए हैं हमारे सामान, और अभी हम क्या करेंगे, पैकिंग करेंगे सबसे पहले, उसके बाद जल्दी से रेडी हो जाएंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट देखेंगे, ब्रेकफास्ट होगा तो ठीक है। फिर पहला काम तो है पेट्रोल भरना, नहीं तो कैसे चलेगी गाड़ी। तो चलिए आज जाएंगे हम पेंगोंग लेक, मिलेंगे थोड़ी देर में। जी हाँ, देखिए यहाँ पर जो धूप है ना, बहुत ही एकदम इतनी भयंकर धूप सीधी बजती है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अब यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद बाइक को बाहर निकालेंगे, फिर पैकिंग करके निकल जाएंगे। पहले परांठा खा लेते हैं। यहाँ की धूप बहुत खतरनाक है और मैं परांठा खाने का मन बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया कि बनाना लिया है 3-4, इनको खाएंगे। क्योंकि परांठा खा के पिछले कल भी तबीयत खराब, पिछले कल भी नहीं खाया था। बंटी ब्लॉगर, परांठा दही कैसा लग रहा है? मस्त मौला, और अपन तो खाएगा भाई बनाना। गाइस हम एकदम पोछा मार के तैयार हो गए। देखिए यहाँ पर धूल मिट्टी, रुक मैं भी मारता हूँ। ओके, यहाँ देखिए अब दीपू भाई भी अपने यहाँ साफ सफाई कर रहे हैं। मैंने इसको रात को ही बोला था जूतों को पानी मार ले अच्छे से, पर ये बेशर्म घोड़े बेच के यहाँ सो गया भाई। अब याद आ रही है ना मेरी, सही बोला था ना मैंने भाई? बोला तो सही भाई, कभी कभी छोटे भाई की भी बात सुन लिया करो यार। भाई थक गए थे बहुत भाई, जिगरा रखना चाहिए जिगरा। और वीडियो एडिट आज की वीडियो में नहीं आएगा भाई, आज की वीडियो में ऐसा होगा कि आज की वीडियो साउंड खराब है ना, ये पता नहीं वहां पर जहां पर मैं गया था रात को। हां बढ़ गए थे बाकी थोड़ा बहुत, बाकी हमने साफ सफाई रखी है यहाँ रूम में क्योंकि सस्ते में दे। और चलो इतना रहा जिधर को, ठीक है गाइस मिलते हैं। अब आगे हम बाइकें निकालते हैं, मिलेगी बने रहे हमारे साथ, आज तो धमाका ही करेंगे। चलिए दोस्तों, तीसरा दिन जो है शुरू करने का समय आ गया है। अब यहाँ से हम निकलेंगे सीधे पेंगोंग के लिए। क्या बोलते हैं गाइस? यो ब्रो, यू गाइस रेडी? आई एम रेडी, या लेट्स गो। और करो से ये हम जा रहे हैं, सबसे पहले काम पेट्रोल भरेंगे, चल चला जा। उसके बाद निकलेंगे पेंगोंग की तरफ, और यहाँ पर एक बहुत ही एक बोर्ड में लिखा हुआ था, डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। हम पेट्रोल पंप भर रहे हैं, तो 671 रुपये की फुल टैंक हुई है, बस ऑनलाइन पेमेंट होने जा रही है। नीला आसमान और ये शानदार जगह, और देखिए गुम्पा, एक चैमरी गुम्पा, पीछे देखिए बिल्कुल चट्टाने, और उसके बाद ये गुम्पा और इधर हरियाली, बहुत ही शानदार जगह में ये गुम्पा है मोनेस्ट्री। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। तो आज दीपू भाई, अभी हमको यहाँ पर परमिट के लिए रोका गया है, और परमिट बनाना पड़ेगा, हमने बनाया था रिस्क लिया था, तो अभी यहाँ पर बनाना पड़ रहा है। स्टार्टिंग में रोक दिया वो भी, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली जो है परमिट हमने बना दिया यहाँ पर ऑनलाइन अभी, क्योंकि ज़रूरी है। 500 रुपये एक पर्सन, तो दोनों का हमारा 1000 रुपये हो गया। चलिए अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, लेट हो गया काफ़ी परमिट के चक्कर में। यहाँ से नीचे वो हरियाली देख सकते हैं आप, गाँव जी हाँ दोस्तों, तो अभी हम पहुँचे हैं चांगला, चांगला पास। यहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी है, बुलेट चलाने में दिक्कत आ रही है। ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं बैठेंगे हम, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। चांगला टॉप में हम पहुँच गए थे और यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन ये बुलेट स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, बुलेट में दिक्कत आ रही है, क्या किया जाए।
अभी किसी का वेट करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल है काम। ब्रेड स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, सॉरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा। अभी हम हैं तांगला पास, यहाँ पर जो है हमारा बाइक ख़राब हो गया, बंटी का बाइक ख़राब हो गया। यहाँ पर हम वेट करते रहे मैकेनिक्स का, लेकिन कोई मिला नहीं। जो मिला तो बोला वापस चले जाओ। यहाँ से आगे पेंगोंग थोड़ा ही रह गया था, जितना हम करू से आए उससे थोड़ा सा कम ही रह गया था, लेकिन किस्मत ख़राब है, अब वापस जाना पड़ रहा है हमको करू की तरफ। वहीं पर जो है बाइक ठीक होगा, न्यूट्रल चलाना पड़ेगा अब हमें, क्योंकि उतराई है। हमारा बाइक ख़राब हुआ बिल्कुल टॉप पर, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, न्यूट्रल जाएंगे वापस। और यहाँ पर मैंने सोचा था कि पाँच मिनट से ज़्यादा नहीं रुकेंगे, या वो ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन लगभग 1.5 घंटा हो गया हम यहीं पर हैं। वापस चलते हैं, बाय बाय। यहाँ थोड़ा वेट कर रहे हैं बंदे, एक मैकेनिक आने वाला है शायद। हालत ख़राब हो गई है बंटी की जी, मेरी तो बुरी हालत है। जी हाँ दोस्तों, देखिए जहाँ से करू से गए थे और करू ही वापस पहुँच गए। हम करू से पेंगोंग जा रहे थे, लेकिन पेंगोंग पहुँचे ही नहीं। तांगलांगला टॉप जो है वहाँ पर फ़ोटो खींचने के लिए बैठे थे, और क्या हुआ कि बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रहा। उसके बाद वापस आगे वाला करू में मैकेनिक है, लेकिन करू में जब वापस आने लगे तो बाइक तो स्टार्ट हो गया, बट इसमें कुछ दिक्कत है, वो चेक करवानी पड़ेगी। लेकिन करू में भी चेक नहीं हो रही है, इसलिए हमको जाना पड़ेगा ले। पेंगोंग का सपना आज चूर चूर हो गया, अब हमको ले जाना पड़ेगा। और बाइक अभी स्टार्ट है, बंद करे तो चलेगी नहीं, तो ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे, निकलते हैं। चलो चलो, तो अभी हम ले जा रहे हैं, ले 15 किलोमीटर रह गया है बस। और अभी जिस जगह में यहाँ पर शे है, और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मोनेस्ट्री जैसी बनी हुई है इधर, और भी काफ़ी बढ़िया दृश्य है, लेकिन दिखा नहीं पा रहे हैं। आगे बंदा चला गया, उसका बाइक जो है ठीक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा लेह तो पहुँच गए हम, पर दुकान कहाँ है? जी हाँ, देखिए यहाँ पर है एक्सपल्स का शोरूम, तो इसमें थोड़ा सा अपडेट करने को था, शायद आधा घंटा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली हम पहुँच गए हैं ले में, जहाँ पर हमने स्टे करना है रूम में। तो ये देखिए, आई लव लद्दाख, लद्दाख जो होटल का नाम है, होटल लद्दाख पैलेस, यहाँ पर हम ठहरेंगे। होटल काफ़ी हाई फाई है, रूम भी बढ़िया है। और ये हमारे भाई साहब, हमारे दो घंटे के दोस्त, ये देखिए अभी यहाँ से हम सामान निकालेंगे और अंदर रखेंगे। देखिए चेक इन हो गए हैं, बहुत ही शानदार होटल है, एकदम बोले तो मज़ेदार। ये देखिए, देख सकते हैं आप, डिनर डाइनिंग टेबल। हालत ख़राब हो गई है, अब चुपचाप रेस्ट करेंगे। ये देखिए रूम, लग्जरी रूम मिला आज। देख सकते हैं आप, जी हाँ, तो ये हमारा बेड, देखिए एलईडी, क्या बात है, शानदार। और इसके बाद देखिए वॉशरूम, ये एकदम परफेक्ट। यो तू भाई कैसा लगा? बस थोड़ा सा सिर भाई था, थोड़ा नहा के थोड़ा सा हो रिलैक्स, पर अभी पूरी तरह से अभी नहीं हुआ है। तो अभी कहाँ जाएंगे हम? अभी जाएंगे हम लेह के बाजार में, जो लेह का जो मेन मार्केट है उसमें घूमेंगे हम। उसके बाद जाएंगे हम वहाँ से, जो एक फेमस है यहाँ पे, शांति शांति स्तू, वहाँ जाएंगे। और आपका आउटफिट बहुत ही मस्त है, टैटू दिखेगा, फॉरनर सा आज यहाँ पे बहुत आई, दीपू भाई एक आधा लाड़ी पाई, गौरव भाई। यो जी हाँ दोस्तों, तो अभी हम फ्रेश हो गए हैं अभी, तो अभी हम जा रहे हैं शांति स्तूप, शांति स्तूप में जाएंगे, उसके बाद मार्केट जाएंगे, फिर आएंगे वापस और फिर रिलैक्स होके सो जाएंगे। देखिए शांति स्तूप, बहुत ही शानदार व्यू,
एकदम टॉप पे, और बाकी पहाड़ियाँ देखिए आप। यहाँ वाली पहाड़ियाँ अच्छी दिख रही है क्योंकि यहाँ पर धूप आ रही है, तो विजिबल बहुत अच्छा हो रहा है। ये फ्रंट व्यू है इसका, देखिए बहुत ही शानदार। और कंटिन्यू यहाँ फोटो शूट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली जो हम हैं लेह मार्केट में, देखिए ठीक है गाइज, आज का जो तीसरा दिन भी हमारा ख़त्म होता है। आज तीसरे दिन का जो हमारा टारगेट था ना, वो था पेंगोंग में। अभी हमने होना था पेंगोंग में, लेकिन किस्मत देखिए, बाइक खराब हो गया, इसका बाइक खराब हो गया। यो गाइस, और हम पहुंच गए यहाँ लेह में, पहुंच गए वापस आ गए भाई। 50 किलोमीटर गए थे पेंगोंग का रास्ते में, और उसके बाद वापस तांगलांगा से वापस आ गए। तांगलांगा जो आपका पास है, वहाँ से वापस आ गए। तो चलिए अब ले पहुंच गए हैं, क्या ही कर सकते हैं। कल का भी सोच रहे हैं क्या किया जाए, समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।